आसपास। ये बचाव होना जरूरी है, बचाव हो गया है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल ना भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। सुनील, भारत ने इस मैच को किस्मत की लकीरों से चुराया है और इतिहास के इस पल को याद रखिएगा, क्योंकि आप गवाह हैं एक नए इतिहास के पहले अध्याय का। भारत ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, 40 साल बाद मेडल जीत चुका है ओलंपिक खेलों में। बहुत बहुत मुबारक सभी को। आप सारे भारतीय समर्थक, आप सारे भारतीय हॉकी के प्रेमी, सिद्धार्थ पांडे, मैं सुनील तनेजा, हमारी पूरी सोनी स्पोर्ट्स इंडिया की टीम, हम खुशकिस्मत हैं, हम बेहद भाग्यशाली हैं कि अपने सामने हमने इतिहास बनते देखा है। 5-4 से भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीतते देखा है, मनप्रीत को खुशी के आंसू बहाते देखा है। इनकी खुशी में खुद भी खुश होने का मौका हमने हासिल किया है। जिन लोगों ने 2008 में भारतीय हॉकी को तिलांजलि दे दी थी, ओबिचुरी लिख दी थी, इस टीम ने बता दिया है कि भारतीय हॉकी इज बैक विद अ बैंग। चक दे फटे टीम इंडिया, चक दे इंडियन हॉकी। इससे बड़ी खबर खेलों से आ नहीं सकती, ओलंपिक खेलों से आ नहीं सकती। 40 साल बाद, 40 साल से ऊपर बाद भारत ने वापसी कर ली है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में, ये सुनिश्चित हो गया है। मैं सिद्धार्थ पांडे और सुनील तनेजा दूरदेश टोक्यो से आपके लिए ये शुभ समाचार ला रहे हैं कि भारत ने टोक्यो में मेडल जीत लिया है। और इस जीत के नायक हमारे गोलकीपर श्रीजेश, ये आखिरी बचाव अगर ना होता तो मैच जाता पेनल्टी शूट आउट में। अन्ना वी लव यू श्रीजेश, क्या कमाल के गोलकीपर। ओलंपिक मेडल मनदीप के लिए, ओलंपिक मेडल मनप्रीत के लिए, गुरजंत के लिए, शमशेर के लिए, सिमरनजीत के लिए, पूरे भारत के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सुनील, भारत के समर्थकों के लिए, भारत के हॉकी समर्थकों के नाम समर्पित है ये मेडल। बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन, लाजवाब टूर्नामेंट, और भारत ने जो रिकॉर्ड बनाया था सुनील, अपने से कम रैंक टीम से नहीं हारने का, वो कायम है। भारतीय हॉकी टीम सिर्फ अपने से ऊपर रैंक टीम से हारी है। बहरहाल, इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लीजिए, पहला मेडल 40 साल बाद, आप इतिहास के गवाह हैं। 2008 और 2012 के चैंपियंस को हराया है, ये नया भारत है, ये मुंह तोड़ जवाब देता है, ये 3-1 से पिछड़ने के बाद भी 5-4 से मुकाबले को जीतता है। सरकार इनको कम से कम पद्मश्री दीजिए। सुनहरा दशक, भारतीय हॉकी का एक सुनहरा दशक हमारे सामने है। सारे के सारे भारतीय कंटिंजेंट पे अपनी मोहब्बत बनाए रखी। आप दर्शक जो अपने घर में हैं, जो अपनी दुकान में, दफ्तर में, घर के बाहर, अपने दोस्तों के साथ लगातार टोक्यो 2020 का प्रसारण देख रहे हैं, भारतीय टीम के बाद अगर सबसे ज्यादा धन्यवाद मिलना चाहिए तो आप दर्शकों को मिलना चाहिए। आप लोगों के प्यार की बदौलत इस नए भारत ने हॉकी में एक